नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब चुनाव सिर पे हैं। चुनाव इसलिए हैं कि 2024 का चुनाव तो हो गया, 2029 की तैयारी, उसके बीच में विधानसभा के, हर स्टेट के अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वो सब तैयारियां चलेंगी। इस साल जम्मू कश्मीर का इलेक्शन होना है, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र एक साथ होना है अक्टूबर में, और फिर दिसंबर में झारखंड होना है। अगले साल शुरुआत में दिल्ली का होगा और उसके बाद बिहार का। ये सारी स्टेट क्रूशियल हैं केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि उसकी मोदी जी और अमित शाह की पकड़ कितनी रहेगी, केंद्र सरकार पे उनका क्या रहेगा, वो काफी कुछ इसको डिसाइड करेंगे। तो मैं आज जरा आपके से एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको जरा एक रिकैप देना चाहता हूँ कि यूपी में क्या होगा, क्योंकि जो पूरा इलेक्शन है अगर आप वो देखिए तो सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि धक्का, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगा है। बाकी जगह वो काफी रिकवर कर लिए थे, बाकी कुछ कर लिए थे, लेकिन जो ज्यादा बड़ा धक्का लगा वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगा। मैं अपने हिसाब से उन 6-7 बिंदुओं को टच करूंगा जो मेरे हिसाब से जो गेम चेंजर थे। लेकिन उसके पहले मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो अभी 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 5 तो समाजवादी पार्टी के मतलब खाते में अभी वो सीटें हैं। उस 10 में हालांकि एक समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी जो है वो अयोग्य करार दे दिए गए हैं, इसलिए वहां चुनाव फिर से होने की बात है। बाकी 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पे आरएलडी और 1 सीट पे निषाद पार्टी। ये बात मैं आपसे इसलिए भी शेयर कर रहा हूं कि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पे एमएलए साहब एमपी हो गए हैं, तो इसलिए सीट खाली हो रही है। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसकी गूंज मेरे हिसाब से हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में सुनाई देगी। अब ये गूंज किस तरह से सुनाई देगी और किसके लिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बाय इलेक्शंस जीवन मरण का प्रश्न है। जीवन मरण का प्रश्न इसलिए कि ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो पार्टी बाय इलेक्शंस जीत जाती है, क्योंकि उसके पास सारा कुछ, ताकत मैनेज करने की, वो यंत्र तंत्र सारी चीजें उसके पास रहती है। लेकिन हाल के इलेक्शन में अभी देखा गया कि जब 13 सीट थी, उन 13 सीट में 1 इंडिपेंडेंट जीते, बीजेपी केवल 2 सीट जीत पाई, 10 सीट बीजेपी, 10 क्या 11 सीट, मतलब अगर इंडिपेंडेंट जीते तो वो भी आप, बीजेपी सिर्फ 13 में से 2 सीट जीत पाई बीजेपी उस। और ये सेंटिमेंट ये माना जा रहा है कि 2024 का सेंटिमेंट अब स्नोबॉल करेगा। स्नोबॉल करेगा मतलब उसको अब आने वाले इलेक्शन में मोदी जी के अगेंस्ट जो वोट पड़ा है, जहां से वो 303 से फिसल के 240 पे आ गए, वो इफेक्ट और ज्यादा होता जाएगा, उसकी रफ्तार पकड़ेगा। और उसको बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि साहब देखिए अभी बाय इलेक्शन हुआ और ये सामने आ गया, 13 में से 2 सीट बीजेपी जीती। उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है थोड़ी देर के लिए, कि मान लीजिए 5 सीटें अपनी है, 5 सीटें और है, 6-7-8 जो भी जीतती है, या इंडिया गठबंधन जीतता है, क्योंकि यहां मेजर पार्टी तो समाजवादी पार्टी रहेगी, कांग्रेस को शायद 1-2 सीटें कहीं एडजस्ट करने के लिए दे, और वो भी इस तरह से देगी कि भाई तुम यहां, हमें, हम आपको यहां अकोमोडेट कर रहे हैं, आप मुझे मत महाराष्ट्र में अकोमोडेट करिएगा। लेकिन मूल रूप से ये समाजवादी पार्टी ही का इलेक्शन होगा, उसी के नेतृत्व में जैसे लोकसभा लड़ा गया था उत्तर प्रदेश में, वैसे ये भी लड़ा जा रहा है। अब यहां समाजवादी पार्टी, अच्छा इस इलेक्शन में 10 सीटें बीजेपी जीत जाए या 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाए या इंडिया गठबंधन जीत जाए, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार वैसे ही चलेगी, कोई ये नहीं सरकार बदल जाएगी, तो इसलिए स्टेक्स भी ऐसी कोई बड़ी नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ये सीटें जीतती है, इंडिया गठबंधन ये सीटें जीतता है और बीजेपी हार जाती है, तो उसके लिए क्या होगा, जो हरियाणा का चुनाव है वहां पे इस बात को और बल मिलेगा कि नहीं अब बीजेपी गई, बीजेपी के दिन पूरे हो गए, लोग अब परेशान हैं, अब साहब कुछ नहीं हो सकता है। तो बीजेपी इस नैरेटिव को सेट नहीं होने देना चाहेगी, और अगर यहां पे बीजेपी ठीक से जीत जाती है तो बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ कहने का मिल जाएगा कि वो था 2024 के इलेक्शन में, लोग, हम लोग अपनी बात नहीं कह पाए,
अब इंडिया गठबंधन ने लोगों को भरमा दिया और ये हो गया, देखिए साहब अब फिर से आ गए, मोदी जादू तो फिर चालू हो गया। तो इसलिए बीजेपी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, ना कि सपा के लिए। सपा हार भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर सपा हार जाएगी बीजेपी को भले ही पॉइंट मिल जाए लेकिन इंडिया गठबंधन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया गठबंधन वहां कांग्रेस लड़ रही है और वहां एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी जिनका कोई स्टेक इस बाई इलेक्शन में नहीं है। तो पहली बात तो ये। अब मैं बात ये कर दूं कि मेरे हिसाब से क्या प्रमुख घटनाएं थी जो जिसको आप कह सकते हैं माइलस्टोन ऑफ 2024 इलेक्शन लोकसभा इन उत्तर प्रदेश जहां से चीजें चेंज हुई। तो सबसे पहला और प्रमुख माइलस्टोन मेरे हिसाब से शंकराचार्य जी थे। अब आपको लगेगा शंकराचार्य जी उनसे क्या मतलब, राम जन्मभूमि का जो 5 साल से तैयारी मोदी जी कर रहे थे अगर आपको याद हो, मतलब जो एक चीफ जस्टिस साहब ने राम जन्मभूमि न्यास जो एक जजमेंट दिया, जजमेंट में लिखवाया गया कि न्यास बनेगा, ये सारी चीजें हुई और उसके बाद उनको तुरंत बाद राज्यसभा लाया गया, तो बातें तो होंगी और बातें हुई भी, ये सारी तैयारी चल रही थी राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा पर, ये फिर वो कैसे शिलान्यास, ये मोदी जी बार बार आ रहे थे और फिर फाइनली उन्होंने ये सोचा कि हम जनवरी में मार्च में अनाउंस होगा इलेक्शन, मार्च अप्रैल में, जनवरी में हम इसको ऐसा क्रेसेंडो बनाएंगे, जनवरी में हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। खूब तैयारी, मालूम नहीं कितने अयोध्या में नया कौन सा एयरपोर्ट, नेशनल कौन कौन से एयरपोर्ट, ये 4 लेन 5 लेन 8 लेन 20 लेन क्या क्या बनने लगा, अंबानी जी आने लगे, अमिताभ बच्चन आने लगे, पूरा बॉलीवुड वहां आ गया, सब लोग आ गए और ऐसी एक स्ट्रेटेजी रची गई कि जिससे ऑपोजिशन ना आ पाए तो मैसेज ये जाए कि देखिए ऑपोजिशन वाले हिंदुओं के अगेंस्ट है और हम ही लोग हिंदुओं के ठेकेदार हैं। ये सब मोदी जी बहुत बढ़िया से कर रहे थे, तब तक वहां आ गए शंकराचार्य जी। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने हिंदू धर्म की व्याख्या, हिंदू धर्म की नीतियां बता के बताया कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं मोदी जी, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है और ये खराब है, ये हिंदुओं के साथ ठीक नहीं हो रहा है। अब जो मामला इतना बड़ा बनाए थे वो पंचर नहीं हुआ, एक बार कभी कभी आप लोग अगर हाईवे पे चले तो टायर कभी कभी चल जाए तो पंचर वाला कहता है कि साहब ये बदल ही नहीं सकता है, बस से भी ज्यादा हो गया। तो वो जो राम जन्मभूमि का इनका जो बनाए थे ये, वो सारा मामला खत्म हो गया, पंचर नहीं किया उन्होंने उसको, सिरे से खत्म, वो इशू ही नहीं रह गया। तो पहला तो मेरे हिसाब से वो एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जहां पे जिसको आप टर्निंग पॉइंट या जिसको आप माइलस्टोन बोल सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो गई, क्योंकि ऐसा बनाया जा रहा था माहौल, अरे देखिएगा जब अभी सीट शेयरिंग आएंगे ना सब टूट जाएंगे, सब भाग जाएंगे। अच्छा वो माहौल बना भी कुछ कि जयंत चौधरी देखिए वो छोड़ के आ गए, वो 5 सीट मांग रहे थे 2 देर, हालांकि जयंत चौधरी को कोई वहां 50 सीट नहीं मिली, इंडिया गठबंधन जैसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उनको 5 सीट दे रहे थे वहां 2 ही सीट मिली, लेकिन माहौल ये बन रहा था कि नहीं नहीं ये जब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल बिखर जाएगा। तो दूसरा ये हुआ कि नेशनल स्तर पे भी जहां जहां एक दूसरे से दिक्कतें थी, जैसे वो स्टेट थी केरल लेफ्ट के सामने लड़ना था, वो स्टेट थी वेस्ट बंगाल, वो स्टेट थी पंजाब, वो स्टेट थी दिल्ली, वहां पे सारा कुछ इतने आराम से हो गया स्मूथली कि कहीं कोई आपस का झगड़ा झंझट नहीं आया। और सबसे बड़ी बात उसमें उत्तर प्रदेश में हो गई, बढ़िया एक गठबंधन यहाँ अखिलेश यादव ने जिसको कहते हैं स्टिच कर लिया। और मैं मुझे पहले भी मुझे बार बार लगता था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कमान संभाल ली होगी और अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक से आके इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का संभाल लिया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात हुई, समाजवादी पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अखिलेश यादव एक पीडीए पीडीए कर रहे थे तो ये हो रहा था यार जाति जनगणना के आगे एक नया, ये उन्होंने उस पीडीए को समझा जिया और उस पर वो उन्होंने पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी जितनी ताकत थी उस पीडीए में वो लग गए, पीडीए में लग गए तो उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इस बार बहुत एहतियात बरता। उनके पास 62 कैंडिडेट थे, 62, 17 उन्होंने कांग्रेस को दे दिए थे, 1 उन्होंने टीएमसी को दिया था और 22 यहां थे। और टीएमसी का एक सांकेतिक ये हो गया, देखिए उसके फायदे सीट हारे जीतने से ज्यादा एक मैसेजिंग में ठीक था, अरे यार वो कुछ भी है ठीक है बंगाल में नहीं है लेकिन टीएमसी आके तो इंडिया गठबंधन में यूपी में लड़ रही है, तो वो मैसेजिंग ठीक हो गई वो एक एक ही सीट देने से। अब जो 62 सीट्स थी उसमें अखिलेश यादव ने पहला काम ये किया कि इनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि ये तो साहब यादवों की ही पार्टी है, यादव ही को वो मिलता है, तो अखिलेश यादव ने 5 यादवों को वोट दिया, को टिकट दिया और 5ों यादव उनके घर के थे,
उनके उनको लेके चार भाई और एक उनकी पत्नी। तो उन्होंने यादव, अब उनके ऊपर कोई परिवारवाद का तो टैग लगा, और वो पहले भी लगा था, नहीं भी अगर देते तब भी, लेकिन उनके ऊपर यादववाद का टैग उन्होंने हटा दिया। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुर्मी बिरादरी, जो नंबर की दृष्टि से, ताकत की दृष्टि से, पॉलिटिकल समझ की दृष्टि से, एक जगह वोट देने की दृष्टि से जो कुर्मी बिरादरी है वो यादव के समकक्ष होती, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, उसको उन्होंने ठीक से तवज्जो दी। 9 शायद सीटें, अगर मैं गलत नहीं, तो 9 सीटें उन्होंने कुर्मी बिरादरी को दी, और उसमें 7-8 लोग जीत के भी आए। तो वो उन्होंने, और कुर्मी जो है, जैसे यादव समाजवादी पार्टी का माना जाता है बिल्कुल पीछे मजबूती से खड़ा है, वैसे कुर्मी के बारे में जल्दी ये होता था कि कुर्मी बिरादरी भाजपा के साथ जाती है, और उसी को सीमेंट करने के लिए अपना दल के साथ इन लोग गठबंधन करते थे, अनुप्रिया पटेल को लाते थे, केवल इसलिए कि कुर्मी बिरादरी में ये मैसेज जाए कि भाई हम कुर्मी जो भी है वो हम उनके साथ हैं। तो अखिलेश यादव ने कुर्मी बिरादरी में एक बड़ी सेंध मारी इसको करके। और जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और जब इंडिया गठबंधन हो गया था, तो जो ये हो रहा था कि भाई ये जो अल्पसंख्यक का वोट है ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। अब जो चौथा मेरे हिसाब से जो गेम चेंजर था, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया, एक दो फेज की वोटिंग हो गई, उसके बाद जब इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इट चेंज द होल, पूरा कॉम्प्लेक्शन बदल गया। मतलब अगर आपको याद हो, राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, आएंगे नहीं, वायनाड भाग गए, स्मृति ईरानी भागा, राहुल गांधी वापस आए, राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली चुना, अमेठी में उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को लगाया, अखिलेश यादव ने कन्नौज से डिसाइड किया, हालांकि तेज प्रताप यादव जी का नाम घोषित हो चुका था, लेकिन उसकी जगह उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, और उससे जो पूरा काडर था वो गैल्वेनाइज हुआ, और काडर के साथ साथ लोगों में भी एक उत्साह आया कि नहीं, अब ये लोग जब खुद लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये सीरियस हैं। और वहां से अगर आप देखिए तो कैंपेन में बहुत फर्क पड़ा। मैं ये भी इसमें ऐड कर दूं कि दोनों लोगों ने, दोनों खास करके जो शीर्ष नेता थे दोनों पार्टीज के, उन्होंने दिल खोल के ये इस कैंपेन को, इसको निभाया। अखिलेश यादव को अजय राय साहब ने बहुत कुछ कहा था, अखिलेश यादव को ये उम्मीद, हम सब लोगों को लगता था कि शायद वहां न जाए, एक मन में कहीं ना कहीं कसक हो, लेकिन अखिलेश यादव ने सारी पुरानी बातें भूल के केवल खुद गए अजय राय के कैंपेन में, बल्कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी वहां गई और उन्होंने अजय राय के लिए कैंपेन किया। तो ये मैसेजिंग बिल्कुल साफ थी कि कौन क्या कर रहा है। फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरह से एक तारतम्य बना हुआ था, एक जोड़ी बन गई थी, और वो ठीक से कैंपेन कर रही थी, तो एक तो चौथा ये था। पांचवा मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की कमान थी वो पूरी तरह से गुजरात लॉबी के कब्जे में थी। अमित शाह, जैसा कहा जाता है कि बनारस का जो भी संसाधन और ये सब जो देख रहे को, और खास करके जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सीआर पाटिल आके गुजरात से कर रहे थे। लोकल को सब बाहर कर दिया गया था, वो विश्वसनीय नहीं माने गए थे। सुनील बंसल आके यहाँ बैठ गए थे, उन्होंने कमाल संभाल ली थी। तो उसका बैकलैश ये हुआ कि लोकल लीडरशिप को आपने बिल्कुल घर बिठा दिया, उससे कोई मतलब ही नहीं था, आपने सब जगह आके खुद कमान संभाल ली, और आपने जो यहाँ का, भाई आप तो उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी जी का चेहरा दिखा के 22 में जीते थे, योगी जी का चेहरा है, उनको भी आपने किनारे किया, वो मैसेजिंग चली गई। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में योगी जी का या यहाँ का कोई नेतृत्व का कोई मतलब नहीं था, 46 लोगों को आपने रिपीट किया, वो सारे लोग जो अमित शाह के करीब थे वो सब रिपीट किए गए, 46 लोगों को रिपीट किया, जैसा अब आ रहा है कि उसमें बार बार यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लोकल लीडरशिप में कहा था कि इन लोगों को, इतने लोगों को टिकट ना दे, लेकिन दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसमें से अधिकांश हार गए। तो बीजेपी का डिसकनेक्ट फ्रॉम दी यूपी लीडरशिप या यूपी के वोटर से डिसकनेक्ट भी एक बड़ा कारण था। कुछ ये लगा कि कोई मैनेजर साहब आ गए, कोई बॉस आ गए, वो वहां से हुक्म चला रहे हैं और वो चल रहा है। एक जो छटा मेरे हिसाब से था वो अखिलेश यादव का जो पॉलिटिकल सेंस था। अखिलेश यादव, देखिए एक चीज समझ लीजिए, अखिलेश यादव 5 साल देश के सबसे बड़े जो प्रदेश सूबा है उसको 5 साल चलाए हैं, 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी के मुख्यमंत्री 5 साल रहे, तो पॉलिटिकल सेंस उनका डेवलप्ड है। और वो एक इंसिडेंट बता दो फिर आपको, बाकी चीजें उन्होंने सारी चीजें पॉलिटिकल कर रहे थे कैंपेन में। इसमें अमित शाह साहब का, अगर आपको याद हो, पहली की रात में या 2 की सुबह जयराम रमेश का एक ट्वीट आया, अमित शाह साहब ने
150 डीएम से फोन करके उनसे बात की है और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शन मतगणना को लेके भाई ऐसे ऐसे। उसके बाद जब उन्होंने ट्वीट किया था तो आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तुरंत आनन फानन भेजा कि नाम बताइए और ये बताइए, मतलब जो अमित शाह की स्टाइल है कि अगर ये है तो उसी को फंसा दो। तुमने बोला कैसे, वो जैसे आजकल स्पीकर और वो जो अध्यक्ष राज्यसभा वो कहता ना इसको सब्सटेंशिएट कीजिए, इसको मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले मैं कागज लाऊं, कागज हर चीज को सब्सटेंशिएट की, वो अमित शाह की टिपिकल स्टाइल है। तो वहां से चुनाव आयोग से आ गया कि इसको बताइए आपने किससे किससे बात की, तो वो भाई वो भी हो गए, वो ज्यादा बोलना बंद कर दिए। ये भी फैक्ट है कि अगर आप कहीं पूछ ले कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सारे डीएम से फोन करके बात की थी, अब इसका कोई इसको सब्सटैंशिएट कहां से किया जाएगा, ये तो लोगों से बात हुई ऐसा पता लगा, सूत्रों से पता लगा ये सब। अब जब उन्होंने ये बात की तो अखिलेश यादव ने पोलिटिकल काम किया। अखिलेश यादव ने जैसा कहा जाता है कि 2 से लेकर 3 तारीख तक अपने 75 जिला अध्यक्षों से उत्तर प्रदेश के सबसे व्यक्तिगत रूप से फोन पे बात की और उन्होंने एक ही चीज कही, उन्होंने कहा कि मैं हर मतगणना स्थल पर, हर मतलब जो काउंटिंग का जहां जहां काउंटिंग हो रही वहां पे मुझे 10,000 पॉलिटिकल लोग समाज मतलब वहां पे चाहिए, जिस दिन गणना हो वो बाहर रहे। और वो प्रेशर बन गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जहां पे इस तरह की बातें हो रही थी कि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे, होता है और हुआ भी है एक आध जगह पे, सबको पता है। लेकिन उसका उसका एक दूसरा पक्ष क्या हुआ, एक तो अखिलेश यादव ने ये कर दिया तो ये चाक चौबंद हो गए सारे इनके वर्कर्स। उन्होंने ये भी कहा कि इररिस्पेक्टिव, वो चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो चाहे सपा का, आप सब लोग वहां पहुंचिए मतगणना स्थल पर। दूसरा क्या हुआ, जैसे इनके एक सनातन पांडे हैं, सनातन पांडे बलिया से लड़े तो उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर कल कोई बेमानी की गई मतगणना के समय तो या तो मेरी लाश वहां से निकलेगी या जो डीएम साहब है उनकी लाश निकलेगी, या मतलब डीएम साहब जाएंगे या मैं जाऊंगा, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया। मैसेजिंग बिल्कुल साफ थी कि हम किसी भी कीमत पे मतगणना के समय बेमानी को नहीं करेंगे, हम हमारा इस बारे जीवन मरण का प्रश्न है, हम जीव अपना जीवन लगा देंगे अगर आपने बेमानी की। और उसकी वजह से मतगणना के समय ये कहना तो गलत होगा कि बेमानी नहीं हुई, लेकिन काफी हद तक कंटेन हो गई। मैं आखिरी बात कह के इसको खत्म करूंगा, ये तो मेरे हिसाब से छे थे। आखिरी बात ये भी हुई कि ये इलेक्शन बाईपोलर था, इसको शायद जो बाकी लोग इसको ठीक से रीड नहीं कर पाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएसपी ने कई जगह नुकसान किया है उसने, अब वो नुकसान इंडिया गठबंधन का ज्यादा किया है कि बीजेपी का ज्यादा किया है, ये हरदम एक एकेडमिक बहस रहेगी। जैसे फतेहपुर सीकरी की सीट है, वो जो सीकरवार थे कांग्रेस कैंडिडेट 40,000 से आ रहे हैं, बीएसपी के कैंडिडेट को 1,20,000 मिला है। अब लोग कहते हैं कि बीएसपी नहीं लड़ती तो ये जीत जाते, लेकिन उनके सारे वोट इन्हीं को आ जाते हैं, ये कोई नहीं है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन रहेगा। लेकिन जो बीएसपी एआईएमआईएम इस तरह की जो रीजनल आउटफिट्स थे उनका कोई बहुत रोल ही नहीं था, बिल्कुल ठीक से डिवाइडेड था बाइपोलर, इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी। तो वो भी एक वजह रही कि जब लोगों के सामने चॉइस बहुत स्पष्ट थी ये या ये, तो लोगों को निर्णय लेने में भी आसानी। तो चलिए आने वाले समय में शायद उत्तर प्रदेश फिर से एक बार राह दिखाएगा, ये 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं वो क्रूशियल हैं, और खास करके हरियाणा चुनाव, उस मतलब उससे उस चुनाव के रिजल्ट से हरियाणा चुनाव पे फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरी एक संभावना ये भी हो सकती है कि वो हरियाणा चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराएं, अब देखने वाली बात है कि वो कैसे कराते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।